ब्लू हॉट ब्लू कोल्ड चैप्टर 15। मिया वेलिस्टे वॉज कन्फ्यूज वेन ही सॉ द वुड कटर ब्लोइंग ऑन हिज कोल्ड हैंड्स टू मेक दम वॉर्म एंड ऑन द हॉट पोटैटोज टू कूल दम। हैव यू वॉर्म्ड योर हैंड्स इन विंटर बाई ब्लोइंग ऑन दम वेन दे आर कोल्ड? हाउ डज इट फील? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा हाथ को अपने माउथ के पास लेके आते हैं जब भी सर्दियों में हमको अपने हाथों को गर्म करना होता है ना। तो वो यस आई हैव डन दैट एंड इट फील्स वार्म, दैट्स हाउ इट फील्स। क्यों होता है इसका जवाब आपको बाद में मिलेगा धीरे धीरे। अभी देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या पूछते हैं। ब्लो हार्ड फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स, हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम योर माउथ एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड? वॉज इट हॉटर? ठीक है, तो अगर ब्लो हार्ड फ्रॉम योर माउथ इन टू योर हैंड्स, अगर मैं हाथ को पास में रखता हूँ तो मुझे हॉटर एयर मिलती है। नाउ पुट योर हैंड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ एंड ब्लो अगेन। अब इस बार मुझे जो एयर मिलेगी, डज द एयर फ्रॉम योर माउथ फील वार्म? तो इसका आंसर है नो। करके देखो एक बार, हाथ दूर रखो और फिर ब्लो करो। इस बार वो जो हो जाती है वो कूलर होती है बाकी आसपास की एयर से। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई कि ऐसा क्यों है कि आपकी मुंह से निकलने वाली हवा फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस गर्म लगती है पर ज़्यादा डिस्टेंस पर ठंडी लगती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक बड़े होके आपको पढ़ने मिलेगा काफ़ी डीप टॉपिक, उसका नाम होता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बस एक नाम पता होना चाहिए आपको। जब भी हवा एक्सपैंड होती है, जब भी आप एयर को एक्सपैंड करते हो, एक्सपैंड कैसे करते हो एयर को, एयर को एक्सपैंड करना बड़ा आसान है। आपकी आप अगर अपने मुंह से भी हवा ब्लो करते हो तो जब आप अपने माउथ से एयर को ब्लो कर रहे हो तो वो एक छोटे से रीजन से लेके एक बड़े रीजन तक जा रही है ना। इस तरीके से आपके मुंह से जो हवा निकलती है वो बाहर निकल जाती है। तो ये यहाँ पर जब निकली है तो वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होगी। ठीक है, पर जैसे जैसे यहाँ पे आते आते ये हो गई एक्सपैंड, है ना, यहाँ तक आते आते ये कैसे हो गई, एक्सपैंड हो गई। तो एयर जब भी एक्सपैंड होती है वो हमेशा कूल हो जाती है। तो दूर जाते जाते क्योंकि एयर एक्सपैंड हो रही है उसको कूलिंग होती जाती है। ओके, तो यहाँ तक आते आते ये हवा ठंडी हो जाएगी। पास में ये बॉडी टेम्परेचर की होती है और बॉडी हमारी होती है जो वार्म होती है। तो ये हवा पास में वार्म है, दूर कूल है। ओके।